नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं शहीद शंकर प्रसाद पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया और लड़ते लड़ते कर्तव्य की बलि देवी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। शहीद शंकर प्रसाद का परिवार अकेला नहीं है, पूरा देश और प्रदेश उनके साथ खड़ा है। शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि और परिवार से चर्चा करके उनके एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेने और उनके ग्राम में शहीद की प्रतिमा लगाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद शंकर प्रसाद जम्मू की भटिंडी सुंजवा कैंप के पास आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 9 बजे सतना प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में दो आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और 2 पुत्र हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती, उनको प्रणाम ही किया जा सकता है। लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में राम खिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं, मर के भी अमर हो जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम।